अगला प्रयोग माइंड स्नेक्स, नाम बोलो एक बार और, एक बार और, माइंड स्नेक्स। अच्छा हाँ, क्या समझ रखा है? पेट ही भोजन खाता है क्या, शरीर ही खाता है? अरे रे, जिसने माइंड को खुराक देना चालू कर दिया उसका जीवन बदल जाएगा। जिसने माइंड को अलग अलग खुराक देना चालू कर दिया उसका जीवन बदल जाएगा। क्या होती है माइंड स्नेक्स? माइंड स्नेक्स का मतलब है कोई ऐसी एक्टिविटी, अलर्ट हो जाओ, सिराना छोड़ दो, आगे आ जाओ, सिराना छोड़ के आगे आ जाओ। माइंड स्नेक्स का मतलब, ध्यान से सुनना, कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी एक्टिविटी जो रोजमर्रा के ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ दे। माइंड स्नेक्स, माइंड का भोजन पता है क्या है? जो रोज जिंदगी एक जैसी हो रही है ना सालों से, इसके ब्रेन वेव पैटर्न, ब्रेन में वेव चलती है और एक पैटर्न बन जाता है। ऐसी एक्टिविटी करो जो कई वर्षों की ब्रेन वेव को तोड़ दे। आज कर ली, संजय जी ने बोल दिया, आप लोग जागृत कम हो भी, इसलिए आज आपके कपड़े बदल गए। 13 सालों के ब्रेन वेव पैटर्न को आज हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? इसको स्नेक्स चाहिए, इसको स्नेक्स चाहिए। सोच नहीं सकते थे हम 13 साल से सूट के बिना भी बात हो सकती है क्या? सोच नहीं सकते थे लुंगी में भी आया जा सकता है क्या? हम सोच नहीं सकते थे टी शर्ट और जींस में भी आया जा सकता है क्या? वर्षों के ब्रेन वेव पैटर्न को और रोजमर्रा की जिंदगी के पैटर्न को जो अलग अलग गतिविधियों से ब्रेक कर देवे, उसका माइंड जबरदस्त रहता है, उसका माइंड। और जो रोज घिसा पिटा जिंदगी एक जैसी जी रहा है सालों से, वो सड़ेगा रे, सड़ेगा, सड़ेगा। इसमें कार्य नए तरीके से किए जाते हैं जिससे ब्रेन सर्किट को तोड़ा जा सकता है। माइंड स्नेक्स चल रहा है भाभी जी? माइंड स्नेक्स का मतलब क्या होता है? माइंड स्नेक्स मतलब, मेरी तरफ देख के बोलो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैंने बता दिया पहली लाइन में। माइंड स्नेक्स मतलब रोजमर्रा के ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ देवे, ऐसा कुछ करना जैसे आप रोज सब्जी भगोने में बना रहे हो, एक दिन आपने मिट्टी के बर्तन में बना ली। जैसे आप रोज रोटी ऐसे खा रहे हो, एक दिन आपने मिक्सी में पीस के खा ली। रोज जैसा कर रहे हो ना वर्षों से, उसमें एक ब्रेन वेव बन गई, इसको ब्रेक करो, इसका संतुलन में मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। नए तरीके से ब्रेन सर्किट को तोड़ दो, ब्रेन वेव्स का संतुलन बनाकर न्यूरॉन्स को टोन अप कर सकें। ब्रेन वेव जो होती है ना, उसका संतुलन तभी बनता है जब इसको अलग अलग कंफ्यूजन देते हैं। ये एक्टिव तभी होता है जब इसको डिफरेंट डिफरेंट नहीं, भारत का आदमी नींद में भी सारे काम कर लेता है, क्यों? 50 साल से वही कर रहा है। ये खत्म है, ये खत्म है। इसको इस्तेमाल करो और गतिविधियां बदल बदल के करो, ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ो। पूरी जिंदगी हो गई पेंट पहनते टाइम दाया पांव डालने में, कल बाया डालो। पूरी जिंदगी हो गई बटन खोल के शर्ट पहनने में, कल बिना बटन खोले पहनो। पूरी जिंदगी हो गई इस हाथ से काम करने में, कल इस हाथ से करो, जिससे न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा होता है। माय गॉड, ब्रेन वेव संतुलन बनाकर न्यूरॉन्स को टोन अप कर सकते हैं। देखो जीरो से चालू करते हैं, ऐसी गतिविधि जो रोजमर्रा के ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ देवे उसे माइंड स्नेक्स कहते हैं। नए कार्य किए जाते हैं जिससे ब्रेन सर्किट टूटेगा, ब्रेन वेव्स को संतुलन बनाते हैं, न्यूरॉन्स टोन अप होते हैं और न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा होता है। न्यूरोट्रोफिन हार्मोन तब तक पैदा ही नहीं होता जब तक आप एक्टिविटीज बदल बदल के नहीं करते, एक्टिविटीज बदल बदल के नहीं करते। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल सुनो,
एक जमीन की एक क्यारी, इसमें गेहूं गेहूं बो, गेहूं ही गेहूं, गेहूं ही गेहूं, 5 बार के बाद उगा के बता दे गेहूं। अरे रे, पलट पलट के बो रहे, पलट पलट के, कभी गेहूं कभी बाजरा कभी जौ कभी फल कभी सब्जी, क्यों? जमीन एक एक सड़ जाती है सुन सुन के तेरे गेहूं गेहूं के चक्कर में। इसमें ये चाहती है बदलाव, ये चाहती है एक्टिविटी, बदल बदल के। इस जमीन का भी ब्रेन वेव सर्किट टूटता है, पलटी नहीं खाते, इधर बोलिए तो फिर अगली बार इसको खुला छोड़ा रही, इधर बोलिए। इसको भी ऐसी स्नेक्स चाहिए, एक्टिविटीज बदल बदल के। और अब दिमाग कुछ भी पा सकता है। अगली लाइन ध्यान से सुन लो, मेरी आज पिछली लाइन का अगली लाइन से संबंध है, पिछली समझ में नहीं आई तो अगली बेकार है। रोजमर्रा की ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ दे, इसे माइंड स्नेक्स कहते हैं। ब्रेन सर्किट को तोड़ता है, संतुलन बनाता है, न्यूरॉन्स को टोन अप करता है, न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा होता है। और एक बार न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा हो गया तो इसके बाद ये माइंड प्रधानमंत्री बनने का भी सोचेगा तो साला बनना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री भी, इतना भी हो सकता है। जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। इस माइंड में इतना पावर है। आज मैं आपको ही आप ही के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको आपके बारे में बता रहा हूं। आपके पास क्या क्या सामान है, इसी सामान से आप कामयाब होंगे। लेकिन इस सामान की जानकारी नहीं थी आज तक। और महादुर्भाग्यशाली होते हैं लोग जो अपने शरीर का आत्मघात करके मर जाते हैं। इतना बड़ा सामान था, कुछ भी पा सकता था, उसी को मार लिया। रूटीन को तोड़ने का प्रयास करो, रूटीन को तोड़ने का प्रयास करो। वो औरतें रसोई में काम करती है बोर हो जाती है, जो रोज सुबह एक ही काम, उठती चाय, अरे कभी दूध बना ले, उठते दाल, अरे पहले आटा लगा ले, कभी कभी ये कर ले वो कर ले, चेंज कर ले कुछ, हर बार जीरा, अरे राई डाल दे राई, अरे हर बार जीरा, अरे सौंफ डाल दे, अरे काली मिर्च डाल दे, अरे हरी मिर्च डाल दे। तू रोज एक एक चीज डाल डाल के तेरे पति का हलवा क्यों बना रही है? तू बदल दे उसको, बदलना, कंफ्यूज करना बर्तन को, रूटीन को तोड़ने का प्रयास करो। रोज एक ही रास्ते से जाते हैं, जिंदगी हो गई, अब की बार रास्ता बदल के जा, इधर जाता है, इस गली को छोड़, इस गली से जा। ब्रेन सर्किट तोड़ो, न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा होगा, ब्रेन वेव्स तोड़ो, संतुलन बनेगा, न्यूरॉन्स टोन अप होंगे। रोटी सब्जी को मिक्सी में पीस कर खा जाओ कभी कभी साला। अच्छा, इससे नुकसान होगा कोई? जो काम आपकी आंतें बेचारी करती है ये मिक्सी कर देगी ना, पीजा। रोज दूध कभी इससे पीते हो, इस गिलास से, जिंदगी हो गई पीते हो, एक दिन थाली से पी, पीना। कुछ ऐसा करो जो अलग है, खीर को चम्मच की बजाय कांटे से खा, खा के देख साला, खत्म कर उसको, कितना टाइम लगता है तेरे को। लेकिन तू सर्किट तोड़, न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा तब होता है जब तू रूटीन को तोड़ता है, अलग अलग एक्टिविटी करता है। कोई नया माहौल खोजो, कोई नया माहौल खोजो, कोई नया करो, कुछ नया करो। एक ही समय में एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करो, एक ही टाइम पे। इस हाथ से अलग लिखो, इस हाथ से अलग लिखो, ऐसा काम करने का प्रयास करो। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाएंगे। इस हाथ से यूं घुमा रहे हो तो इससे यूं घुमाने का प्रयास करो, अलग अलग करो। इससे यूं तो कोई भी कर ले, यूं करके देखो, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ये कंफ्यूजन ही तो एक्टिव करता है भैया। ये जो मिड ब्रेन का नाम सुना है ना आपने, ये यही तो है। इस हाथ से अलग काम, इस हाथ से अलग काम, बीच वाला जागृत हो जाता है। माइंड में बहुत पावर है। 10 किलो सोना चाहिए औरतों को, इससे ज्यादा चाहिए? मिलेगा। माइंड को काम कराओ, इसमें से जी टीवी निकालो, दूसरे टीवी निकालो, इसमें सही माल डालो, जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन रूटीन वर्क करो, आंखें बंद करके काम करो। हेलो, खोल के तो जिंदगी हो गई करते, आंखें बंद करके कोशिश करो। इधर मेरा गेट है, इधर मेरा ये मेज है,
इधर ये रखा है, आंखें बंद करके काम करो, आंखें बंद होते ही चार इंद्रियों को जबरदस्त ताकत मिलती है। दोबारा बोल रहा हूं, आंखों को बंद करते ही बाकी की चार इंद्रियां, त्वचा, जिह्वा, नाक और कान, ये चार गुना एक्टिव हो जाते हैं। आंख बंद करके काम करने का प्रयास करो, दो चार बार भिड़ोगे तो सही, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल करो जिंदगी में। आज ये प्रयोगशाला चल रही है, आई एम ए डायमंड लास्ट में है, यहां आज प्रयोग है, जिंदगी के प्रयोग करो भैया। उस हाथ से काम करो जिससे नहीं करते, समझो पांच दिन के लिए दायां हाथ छुट्टी पे, पूरे काम बाएं से करूंगा, करके देखो आपकी बॉडी में आपका जो माइंड है ना, जबरदस्त न्यूरोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करता चला जाएगा। बॉडी अपने आप को अलग तरीके से ताजगी महसूस करेगी। और अलग तरह के कपड़े पहनो, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनो। 13 साल का रूटीन और ब्रेन वेव्स हमने तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं अपन इसको परमानेंट रख रहे हैं कि भाई ये इसको भी तोड़ देंगे फिर सूट पहन लेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। आपका पति आपको देख के उबासी क्यों आती है, तो वही वो पहन रही है। देवी तू बदल जा कुछ, तू काल क्या माता, तू कुछ नया पहन, तू कुछ नया पहन। तू रोज बालों को यहां लगाती है, एक दिन यहां लगा ले, इसको लगेगा नहीं है। इधर मांग निकाल रही है, इधर निकाल ले, इधर टीके लगाती है कभी इधर लगा ले, फर्क पड़ता है, उसका ध्यान तो जाएगा। वो देखिए आज इधर किधर, हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ो, ब्रेन वेव पैटर्न को तोड़ो, कुछ भी यूनिक करके अपने आप को ताजगी लाओ। आज ताजगी एक नहीं है, yes, कोई लुंगी में, कोई चुन्नी में, कोई काई में, कोई जींस में, कोई पाई में,